बल्कि मुक्त मलंग रहेंगे। छोटा सा इलाका है, जिला मुजफ्फराबाद का इलाका है, और यहाँ पर साथियों ने बताया है कि सरकार के इससे पहले इन इलाकों में दो प्रोग्राम हो चुके हैं, तीन प्रोग्राम हो चुके हैं, जिनमें मुजफ्फराबाद शहर, एबटाबाद, मानसेरा, बुई और ये आज ये भी प्रोग्राम, ये भी आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है, ताकि देखने वालों को अंदाजा रहे कि आज़ाद कश्मीर कैसा है। ये आज़ाद कश्मीर का इलाका है। जगह पर होगा क्या पोस्ट? दुनिया वाले धंग रहे।
सामान्य मोहतरम, हमारे दिलों की धड़कन, हमारे दिलों का करार, हमारे दिलों का चैन, शहनशाह विलायत इमाम ज़माना क़िबला काबा पीर मुर्शिद हजरत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मदजिल्लाह अली इस बज़म में जलवा फरोश हुए, इस बज़म की जीनत बने, हम उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। तो आइए बिला तख़ीर दावत खिताब दे रहा हूँ अपने पीर मुर्शिद हजरत सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही मदजिल्लाह अली को। तो समाज फरमाइए क़िबला काबा सरकार शाह साहब के गौहर नायाब, तो नारों से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर। औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजी साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आपके इस इलाके में पहली दफा ही आना हुआ, आने का मकसद कोई सियासत नहीं है, किसी फिरके की दिल आजारी नहीं है, कोई हुकूमत पर नुक्ता चीनी नहीं है। हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर घर में कुछ दिल वाले होते हैं, उन दिल वालों को निकालना मकसद है और दिल की आवाज उनके जमीर तक पहुंचाना मकसूद। हजूर पाक के जमाने में दो तरह का इलम था, जबान वालों के लिए जिसको शरीयत कहते हैं और एक दिल वालों के लिए जिसको तरीकत कहते हैं। आपके जमाने में जिन लोगों ने सिर्फ जुबानी इलम पे कनात करी, उन्हीं में से कोई ख्वारिज हुआ और कोई मुनाफिक हुआ, और जिन लोगों ने वो दिल वाला इलम भी हासिल किया वो तो सहाबिये या रसूलल्लाह कहलाए और वलियों से भी आला मकाम हासिल करके चले। अब वो जो जुबान वाला इलम है उसको तो हर कोई जानता है, वो उलमा के पास है, मालिकी शाफी हम्बली हनफी ये सारे शरीयत में है। और वो दिल वाला इलम है वो उलिया के पास आया। चश्ती नक्शबंदी कादरी सरवर्दी ये वलियों के पास इलम आया। उलमा ने नमाज सिखाई, अल्लाह के हजूर खड़ा कर दिया इस जिस्म को, और वलियों ने वो जो जिस्म के अंदर की रूह है वो अल्लाह तक पहुंचा दिया। अल्लाह, अब जब चौंके आलम नजदीक नजदीक होते हैं, रोज उनसे पाला पड़ता है, पांच वक्त पाला पड़ता है, इस वजह से हर आदमी वो उनकी तालीम जानता है, और वली कभी कभी आते हैं, बड़े बड़े दूर होते हैं, किसी किसी के मिलते हैं, इस वजह से उनकी तालीम बहुत ही नायाब हो चुकी है। जब वो वलियों की तालीम गई, सिर्फ जहरी तालीम आ गई, उसने 72 फिरके बना दिए, मुसलमानों में इंतशार और नफरतें पैदा कर दी। अब हम कहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए ना को असली फिरके की तलाश करें ना, वो असली फिरका कौन सा था। हर फिरका अपने आप को सही कहता है, मनाजरे करो, मुबाहसे करो, अपने आप को सही कहते हैं, ना ये जीते ना वो जीतेगा, फिर सच्चा कौन सा है। इस वक्त सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, कितने फिरके हैं, इन सब को सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी परवेजी सब को खड़ा कर दो ना, इन अंदर झांक के देखो ना, अंदर से सारे काले हैं ना, तो फिर वो सही कौन सा होगा। जो सही होगा वो काला तो नहीं होगा ना। हजूर पाक के जमाने में ना सुन्नी था, ना शिया था, ना वहाबी था,
حضور پاک کے زمانے میں امتی تھے. امتی وہ ہوتا ہے, حضور پاک فرماتے ہیں جو امتی وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا نور ہوتا ہے. حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہو. وہ امتی تھے. آج کوئی فرقہ کہتا اپنے آپ کو امتی, کوئی نہیں. کیسے گئے بےچارا, نور ہی نہیں اندر کیسے گئے؟ جب ان امتیوں میں نور تھا, جب وہ نور نکلتا گیا, سنی شیعہ وہابی بنتا گیا. اگر تمہارے اندر دوبارہ وہ نور آ جائے تو کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں. یہی کہو گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ, وہ تمہارے یہی کافی ہے. اب لوگ سوچتے ہیں, ضرور اپنے آبا اجداد سے سنا ہوگا کہ یہ دل اللہ اللہ کرتے ہیں. سنا ہوگا, اکثر کہتے ہیں کرتے تھے اب نہیں کر سکتے. اکثر کہتے ہیں یہ خیال ہی ہے, یہ دل گوشت کا لوتھڑا ہے, یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ وہ کہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے, یقین تم کرو تمہیں اس کے بغیر چین ہی نہ آئے, اس کے بغیر نیند ہی نہ آئے. لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں یہ خیال ہے, ہم نے زبان دیکھ دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے. تو درویش کہتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے یہ بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا, تو یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ اگر یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ اللہ کر سکتا ہے تو وہ دل گوشت کا لوتھڑا وہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے. اللہ, اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں ہیں. یہ اسی طرح جسم تھا, مٹی کا بنا دیا گیا. جب وہ مخلوقیں ڈالی, کسی کا کام سوچنے کے لیے, کسی کا دیکھنے کے لیے, کسی کا سونگنے کے لیے, کسی کا چلنے کے لیے, ایک مخلوق کا کام صرف اللہ اللہ کرنے کے لیے. حدیث شریف میں ان مخلوقوں کے نام ہیں, قلب, روح, سری, خفی, اخفا, انا, نفس. یہ تمہارے سینے میں مخلوق ہیں, اور جب یہ مخلوقیں چلی جاتی ہیں تو تم ختم ہو جاتے ہو, جب وہ آتی ہیں تو تم چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہو. ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا, جس طرح جن فرشتے مخلوق ہیں اس طرح وہ مخلوق ہیں. ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اخفا, وہ سینے کے درمیان میں ہے. وہ مخلوق بولتی ہے اس گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے. اگر کسی میں وہ مخلوق اخفا نہ ہو, ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے, یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے. اگر یہ مخلوقیں جانوروں میں ہوں تو وہ بھی کچھ سے کچھ بولے نا, وہ توتلے ہی بولے, زبانیں تو بھی ہے نا. اب اس زبان کو بلوانے کے لیے اخفا ہے, اور وہ جو اندر گوشت کا لوتھڑا ہے, عربی میں اس کو فواد بولتے ہیں, اور جو اس کے ساتھ مخلوق ہے اس کو قلب بولتے ہیں. صرف فرق یہ ہے اخفا آزاد ہے اور قلب 180,000 جالوں کے اندر بند ہے. اگر کوئی شخص قلب کو بھی جگا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے اسی طرح وہ دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے. لیکن اس قلب کو جگائے کیسے؟ یہی تو ایک راز ہے. اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے, اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا, چوں چوں کرے گا, تو کہے گا غلط کہتا ہے, نہ اس کی ٹانگیں ہیں, نہ پر ہے, نہ زبان ہے, تو کہتا ہے یہ چوں چوں کرے گا, یہ ہوا میں اڑے گا, میں روز کو توڑ کے کھاتا ہوں, اس میں کچھ بھی نہیں. یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے. اس کا نام ہے بیزہ, اور تمہارے اندر تصفف نے کہا بیزہ ناسوتی ہے. اس کے اندر ایک مرغ بند ہے اور اس کے اندر ایک مرغ لاہوتی بند ہے. اس کو زہری گرمی کی ضرورت ہے, اس کو اللہ کی ضرورت ہے. اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرغی کیا کرے گی؟ اس کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی نا. جب دیکھے گی کہ زیادہ ہیٹ آ گئی تو اٹھ کے چلی جائے گی, پھر آ کے بیٹھ جائے گی. اور مرشد کیا کرے گا کہ تیرے سینے کے حساب سے اللہ کا نور پہنچائے گا. اب جب وہ انڈا پھٹے گا, اس کو کوئی نہیں سکھائے گا, بغیر سکھے سکھائے چوں 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 کرے گا. کیوں؟
उसकी फितरत है, और जब ये फटेगा तो बगैर सीखे सिखाए अल्लाह अल्लाह करेगा। क्यों? अल्लाह अल्लाह इसकी फितरत है। आप तुम अल्लाह अल्लाह नहीं करे, वो तुम्हारे अंदर जो मखलूक जाग उठी है ना वो अल्लाह ने करी है ना। यहाँ फिर दो तरह की तस्बीह है, एक तुम्हारी तस्बीह है वो जो बाजारों में बिकती है टिक टिक टिक, एक अंदर तस्बीह लगी हुई है वो उस मखलूक की तस्बीह है। अब तुम उस मखलूक के उस्ताद हो गए कि तेरी तस्बीह तो तेरे अंदर है, अब तू इसके साथ अल्लाह लमला। अब कभी मिली कभी हटी, कभी मिली कभी हटी, 3 साल के बाद इतना पुख्ता होगी कि तुम डट कर सोते रहे और अल्लाह अल्लाह होती रही। अब फिर वो नूर कैसे बनता है? उमती जिसमें नूर है वो उमती है ना, अब फिर नूर कैसे बनता है? एक सिख ने कहा हमें कि तुम्हारे काबर कहते हैं कि कुरान मजीद में नूर है, हमने कहा इसमें शक नहीं। कहने लगा मैं तुम्हारा जासूस रह के आया, मैं नमाजें भी पढ़ाता था, कुरान की बहुत सी आयतें मैंने रटी हुई थी, तो मैं तो 12-13 से रह के आया, मैं तो नूरी को नहीं हुआ। एक ईसाई पास बैठा था, कहने लगा मैं शब रोज तुम्हारे कुरान का मुताला करता हूँ, नूरी मैं भी को नहीं हुआ। हमने कहा असल बात यह कि तुमने दिल से नहीं पढ़ा। तो वो कहने लगे ठीक है हमने दिल से नहीं पढ़ा, ये जो तुम्हारे मुसलमान है वो तो दिल से पढ़ते हैं ना, तो वो नूरी क्यों नहीं हुए? भाई बड़ी बाकुल बात थी ना, कहना अगर वो दिल से पढ़ते वो भी है ना तो फिर वो नूरी क्यों नहीं हुए? इस कुरान मजीद में वाकई नूर है, जिसमें नूर है वो हुजूर पाक के सीने मुबारक में है, वो सीना जिस सीने से टकराता वो भी नूरी हो जाता है। अल्लाह। और ये जो कुरान मजीद है ये किताब प्रेस होके आया है, इससे नूर बनाना पड़ता है। उस नूर बनाना हम लोगों को पता नहीं है, जिनको पता है वो तो वली अल्लाह बन गए। अब उसका तरीका क्या नूर बनाने का? अब आप तस्बीह पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह, वो बगैर टिक टिक के भी तो अल्लाह अल्लाह हो सकती है ना, वो टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह क्यों करते हैं? ये हमारे काबर ने क्यों बताया? जिस तरह बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली बनती है, पत्थर टकराते हैं तो चंगारी उठती है, अल्लाह अल्लाह से टकराता तो नूर बनता है ना। अल्लाह। लेकिन वो जो नूर बना वो तो उंगलियों में ना, अंदर तो नहीं है ना। कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं अल्लाह अल्लाह जुबान से करते हैं नूर बनता है, अंदर वो भी नहीं जाता है, वो बाहर ही है ना। भाई अगर अंदर जाए तो सारे कुरान पढ़ने वाले नूरी ना हो तो सारे नूरी हो तो फिर बाजी खत्म ना हो जाए। अब इसी तरह की वो टिक टिक अंदर हो रही है, उस टिक टिक के साथ अल्लाह अल्लाह ये जुबान नहीं कर सकती, वो जो मखलूक जागी है ना वो उसके साथ अल्लाह अल्लाह करी है। जब वो दिल की धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह का रगड़ा लगा तो फिर वो नूर बना ना, दूध दूध ये रगड़ा लगता तो मक्खन बनता है ना, वो जिक्र जिक्र ये रगड़ा लगता तो नूर बनता है ना। जब वो रगड़ा लगा ना अल्लाह अल्लाह का तो फिर वो जो नूर बना ना तो वो ना उंगलियों में तरह बाहर वो सीधा खून में चला गया ना, तो खून से होता हुआ तुम्हारी नसों में चला गया, नसों से होता हुआ तुम्हारी रूह तक पहुंच गया ना, जब रूह तक नूर पहुंचा तो वो भी बेकार होगी और उन्होंने भी अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी। फिर तू सोते रहना वो अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी, तू मर भी गया थे कब्र में भी अल्लाह अल्लाह और यौम महशर में भी अल्लाह अल्लाह, जब हर वक्त वो अल्लाह अल्लाह करती रहेंगी तो अल्लाह अल्लाह का नूर इस दिल में इकट्ठा हो जाएगा, ये उसके हेडक्वार्टर है, ये जनरेटर इकट्ठा हो गया अल्लाह अल्लाह का नूर। उधर अल्लाह एक हदीस शरीफ में कि नमाज मोमन का मेराज है, मुसलमान का नहीं है मोमन का, मुसलमान सारी उम्र टकने लगाए मोमन नहीं बन सकता, क्योंकि सूरत हजरात में मोमन की तशरीह है, एराब ने कहा मैं ईमान ले आए
अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, इनको कहो सिर्फ इस्लाम लाए। मोमन तब बनोगे जब नूर तुम्हारे दिल में उतरेगा, तब तो मोमन बनेगा ना, तो फिर तेरी नमाज महराज कैसे होगी? अभी तेरी नमाज महराज नहीं है, तेरी नमाज के लिए कुरान फरमाता है उन नमाजियों के लिए तबाही है। जो नमाज हकीकत से बेखबर हैं उनकी नमाज दिखावा है, वो कैसे दिखावा? अल्लाह ताला ने हजूर पाक को फरमाया कुल वो वल्लाह वखद, कह दीजिए अल्लाह एक है, आपने आमीन कहा, आपने लोगों का कह दो अल्लाह एक है, जिन्होंने आमीन कहा वो मुसलमान, जिन्होंने नहीं माना वो काफर, जिन्होंने हिलोजत करी वो मुनाफिक। अब मुसलमान किसको कहते, कह दे अल्लाह एक है, भाई तू तो जानता अल्लाह एक है, घड़ी घड़ी किसको कहते, कह दे अल्लाह एक है। मुल्ले शाह फरमाते एक ही नुक्ते विच गल, और तुम अपने दिल को कहते हो कह दे अल्लाह एक है, दिल जवाब देता है घर विच आटा ही कोनी, अल्लाह नहीं ना मानता, इलोजित करता ना, फिर कहते हो अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, दिल कहता है नहीं बीवी बीमार, दिल कहता है ड्यूटी से लेट हो गए, चल। काफरों की जबान इकरार नहीं करती, मुनाफिकों के दिल तस्दीक नहीं करते, और फासिकों के जिस्म अमल नहीं करते। बताओ तुम्हारा दिल तो मुनाफिक था, बड़े खुशू से मस्जिद में नमाज पढ़ा है, अल्लाह ताला फरमाता नहीं, ना मैं इसकी दाढ़ी को देखता हूँ, ना मैं इसके सजदे को देखता हूँ, मैं इसके कलब और नीयत को देखता हूँ। जिसको दुनिया देखती है उसमें वो शियार है, जिसको अल्लाह देखते हैं उसमें कारोबार है। ये नमाज सूरत है जिसको हर फिरके वाला पढ़ता है, और इस नमाज का कोई एतबार नहीं है, इस नमाज का कोई एतबार नहीं है। बोले शाह फरमाते हैं तो तेरा दिल खिड़ावे मुंडे कुड़िया की रब नल भी 420 को सिख जासूस भी यही पढ़ के गया था ना। अब वो जो नमाज मोमन का महराज है सिर्फ मोमन पढ़ता है, मुसलमान नहीं पढ़ सकता, और वो महराज कैसे बनती है? जो भी इंसान आया अल्लाह ताला ने उसमें टेलीफोन लगा दिया, भाई इतने दूर जो भेजा है, अगर इसको मुझसे रابطے की जरूरत करना पड़ी तो उसने वो टेलीफोन लगा दिए। लेकिन जिस तरह आपका टेलीफोन लगा हुआ है, यहाँ टेलीफोन पड़ा हुआ है, इसको बिजली की जरूरत है, अगर बिजली है तो यहाँ से मोबाइल पड़ा हुआ है तो बिजली की लहरें यहाँ से उठेंगी तो सीधा अमेरिका चली जाएंगी ना। अगर तेरे अंदर नूर है तो फिर नूर की लहरें यहाँ से उठेंगी तो सीधी अर्शे मौला में जाएंगी। अल्लाह, जब हुजूर पाक ऊपर पहुंचे शबे मेराज में तो अल्लाह ताला ने तोहफे दिए, ये अपनी उम्मत को दे देना। क्यों? उसको नमाजों की जरूरत है, अगर तुम कोई भी नमाज ना पढ़ो तब तो अल्लाह ही है ना, उसकी शान घटती तो नहीं है ना, तो फिर उसको नमाजों की जरूरत है? ये तोहफे हैं, जिसे दरबार पे जाते हैं फूल ले जाते हैं वो दरबार वाले खाता तो नहीं है ना, ये अकीदत के तोहफे हैं। इस वजह से ये तोहफे दिए कि अपनी उम्मत को दे देना, वो पांच वक्त ये तोहफे मुझे भेजेंगे, जब मेरे पास ही तोहफे आएंगे ना तो फिर मैं उनको याद रहूंगा, वो मुझे याद रहेंगे। अब वो तोहफे नीचे आ गए ना, तो जब तक हजूर पाक थे तो पीछे इस इमाम के आगे टेलीफोन लगा हुआ था ना, तो तोहफे ऊपर चले गए ना। अब तो हमारे टेलीफोन वाले इमाम ही को नहीं है ना, अब तो तोहफे ऊपर कैसे गए? जिसके भी टेलीफोन लगा हुआ है तो फिर उस टेलीफोन के जरिए वो तोहफा ऊपर जाता है ना, जब फिर तोहफा ऊपर जाता है फिर वो मोमन का महराज बनता है ना, ये मोमन है। इसके आगे वलायत भी है, तो तुम्हारे अंदर है वली जो आते हैं कोई आसमानों से तो नहीं गिरते हैं ना, हम तुम ही है, सबके अंदर वलायत का राज है। जो भी बच्चा इस दुनिया में आया, अगर काफिर का बच्चा है तो वो भी वलायत का राज लेके आया, क्या खबर मुसलमान हो जाए तौबा कर ले। और तारीख गवाह है कि काफरों के बच्चे मुसलमान हुए और बड़े बड़े वली बने। अगर काफरों के बच्चे वली बन सकते हैं तो क्या मुसलमानों के बच्चे वली नहीं बन सकते? तो वलायत का राज क्या है? तुमने देखा होगा अगर रात को सोते हो
दूसरे शहर में घूमते हो, तुम तो नहीं होते लेकिन तुम्हारे अंदर की एक मखलूक होती है जिसको नफ्स बोलते हैं, वो शैतानी महों में घूमती रहती है, मुड़ के जिस्म में दाखिल हो जाती है। इसी किस्म की और भी तुम्हारे अंदर हुए हैं ना, वो लताइफ है ना, सत लताइफ है ना, जब उनको अल्लाह का नूर मिलता है, नूर से उनकी परवरिश होना शुरू हो जाती है ना, जब नूर से परवरिश होती है फिर तुम देखते हो रात को सो रहे हो तो हुजूर पाक के उन मखलूकों के जरिए जब वो ताकतवर हो जाती हैं, तो फिर वो मखलूकें कौन सी हैं? जब हुजूर पाक शबे मेराज में गए तो बैतुल मकद्दस में जाने से पहले नमाज पढ़ाई, वो जो पहले नमाज पढ़ाई वो किसको नमाज पढ़ाई? वलियों और नबियों की अरवा को। ऊपर से जब गए तो फिर जो नमाज मिली तो वो किसके मिली, किसके लिए मिली? और नफसानी लोगों के लिए, अल्लाह, ताकि वो इस नमाज के जरिए पाक हो और उस नमाज में शामिल हो। आज भी अगर कोई अपने आप को पाक कर ले तो फिर अपनी रूह को तैयार कर ले तो फिर वो उस नमाज में शामिल हो जाता है। ये शरीयत मोहम्मदी है। हुजूर पाक का यहाँ जो इस्म मुबारक है ना, आपको यहाँ कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जिस्म मुबारक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये शरीयत मोहम्मदी उसको कहते हैं। तो जो आपकी रूह मुबारक है ना उसका नाम अहमद है। तो अगर कोई रूह उनकी रूह तक चली जाए तो शरीयत अहमदी में चली गई ना, तो ऊपर आपका नाम हामद है। तो फिर जब अल्लाह के कोई रूह बरू हो जाना तो उस मकाम में महमूद है ना, वहां हुजूर पाक को महमूद कहते हैं। गट शाहवाल कहते हैं कि नमाज रोजा काम सुठो और रास्ता कोई दूजो। नमाज रोजा काम अच्छा है लेकिन वो रास्ता जो है वो कुछ दूसरा है। नमाज रोजा जन्नत को पहुंचाता है, अल्लाह को नहीं पहुंचाता। अल्लाह के लिए रास्ता कोई दूसरा है। हमने पहाड़ों में लोगों को देखा, तस्बीहें बड़ी बड़ी लगी हुई, अल्लाह अल्लाह करें, इबादत खूब करें, वो अल्लाह मिला कोनी। गाड़ों में देखा, अल्लाह मिला कोनी। मस्जिदों में देखा, 30-40 साल हो गए नमाजें पढ़े हैं, अल्लाह मिला क्या कोनी। तो फिर अल्लाह किसको मिला? अल्लाह उनको मिला जिन्होंने अपने दिल में ढूंढा ना अल्लाह। अल्लाह तो उनको मिला क्योंकि अल्लाह का तल्लुक जो है ना वो दिलों से है ना। अब जो तुम नमाजें पढ़ रहे हो ना, इनका तल्लुक तो जन्नत से है ना, और हम तुमको सबूत देते हैं ना। तो ढेर नमाजें पढ़ी होंगी, तस्बीहात पढ़ी होंगी, तहज्जुद भी पढ़े होंगे, लेकिन जब दुआ मांगी होगी तो यही कहा होगा, ए अल्लाह मुझे जन्नत दे। भाई जन्नत की तो तब जन्नत मांगी ना। तुम ख्याल करो, कभी भी तुमने कहा है अल्लाह मुझे तू चाहिए, कभी भी नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह के लिए तुमने अमल ही नहीं किया। और जब तुम दिल में अल्लाह शुरू करोगे ना तो वो रास्ता अल्लाह को जाता है ना। जब दिल में अल्लाह आएगा ना तो कभी नहीं कहोगे अल्लाह मुझे जन्नत चाहिए, अल्लाह मुझे तू चाहिए। फिर जब अल्लाह मिल गया तो अपने पास तो नहीं बैठाएगा ना, वो जन्नत भी भेजेगा ना, बगैर बिन मांगे जन्नत मिलेगी ना। अब बहुत से फिरके हैं वो कहते हैं कि रब का दीदार नहीं हो सकता है। बहुत से कहते हैं रब का दीदार हो सकता है। हुजूर पाक को जो हुआ इस जिस्म से हुआ, बाकी जो वलियों को होता है उनके अंदर जो मखलूकें हैं उनके जरिए होता है। तुम्हारे अंदर अल्लाह ने वो सियारे रखे हुए हैं, उसने 7 आसमान बनाए, 8 आसमान से एक एक मखलूक पकड़ के इस तुम्हारे ढांचे में डाल दिए है। पता नहीं इसको मलकूत में जाने का शौक हो, अपने कलब को तैयार करेगा, मलकूत की तैर सैर करेगा। हो सकता है जबरूत में जाने का शौक हो और लतीफा रूह को ताकतवर करेगा, जबरूत में चले जाएगा। हो सकता है इसको अल्लाह को देखने का शौक हो,
हो सकता है इसको अल्लाह को देखने के शौक हो तो वो लतीफा अल्लाह को ताकतवर करेगा तो अल्लाह तक पहुंच जाएगा। जब कोई इन मखलूकों को तैयार करता है, ये जो लतीफा अल्लाह दिमाग में है उसका जिक्र याहू है, याहू से वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, बिल्कुल फरिश्ता बन जाता है। उस वक्त आदमी सोचता है देखिए ऊपर क्या हो रहा है, आदमी सोचता है वो ऊपर प्रवास कर जाता है, वो उसका मोहताज है, फरिश्ते रोकते हैं नहीं रुकता है, कहते हैं जो कुछ भी है बैतुल मामूर से आगे जल जाएगा क्योंकि फरिश्ते बैतुल मामूर से आगे नहीं जा सकते, और वो बैतुल मामूर से भी आगे चला जाता है, वहां पहुंच जाता है जहां रब की जात। उस वक्त फरिश्ते कहते हैं कि वाकई इंसान अशफल मखलूकात है, उस वक्त अशफल मखलूकात है, अब नहीं। जब वहां पहुंचता है बड़ी मेहनत से बड़ी कुर्बानी दे के पहुंचता है ना, पता नहीं कितना अरसा उसने तैयारी में लगाए, 12 साल तो कम अज कम लगते ही है ना। ये जो लोग जंगलों में चले गए नमाजें घर में ही पढ़ सकते थे ना, तो जंगलों में क्यों गए, इन अपनी मखलूकों को तैयार करने के लिए गए ना। फिर जब रब के हजूर पहुंच जाता है फिर एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते, फिर अल्लाह फरमाता है मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले, फिर बड़े प्यार से देखते हैं, फिर अल्लाह का जो नक्शा है उसकी आंखों के जरिए उसके दिल में जाता है, फिर जब उसके दिल में जाता है फिर अल्लाह ताला फरमाता है अब तू नीचे चला जा, अब जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले। इसको बोलते हैं कामुल मुर्शिद, इसी का दीदार मैनू लख करोड़ा हज्जा हो, और इसी मुर्शिद की बैत होती है जो अल्लाह तक पहुंचाता है, और जो बिकते हैं वो इसी मुर्शिद के लिए बिकते हैं। अब रहा सवाल हमारे इलाके में क्या हम जब जहां भी घूमते हैं वहां गद्दी नशीन भी हैं, सजादा नशीन भी हैं, सारे मुर्शिद बने हुए हैं ना। अब जो मुर्शिद हमने पकड़ा है वो तो अल्लाह के लिए पकड़ा है ना, ये जिस्म नहीं जाता है ना, वो तो जिस्म के अंदर की चीजें अल्लाह को जाती है ना, उसको इनको पहुंचाना आया ही नहीं तो कितना बड़ा मुजरम है। बैत का हक सिर्फ वली को है, जिस तरह कोई नबी नहीं है नबूवत का दावा करता है काफर, मानने वाले भी काफर, तो कोई वली नहीं है तो अपने आप को वली समझता है तो कुफर के नजदीक पहुंच जाता है। वो काफर तो अपने लिए था ना, और इसने तो हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी ना। वो नायाब चीजें, वो नायाब सारे जिनके जरिए आदमी को अल्लाह तक पहुंचना था उसने उनको फंसा के बर्बाद कर दिया ना, वो इसका जवाब भी नहीं दे सकेगा ना, वो इसका जवाब भी नहीं दे सकेगा। और दूसरी फिर हमारा आलम फिर कहा गया, एक तरफ तो गद्दी नशीनों ने और सजादा नशीनों ने हमारे अंदर को बर्बाद कर दिया, और दूसरी तरफ आलम फिरका आ गया, उन्होंने हमारे ईमान को ही बर्बाद कर दिया, 72 फिरकों में तकसीम कर दिया। आलम की भी 3 किस्में है ना, एक आलम रब्बानी है, आलम रब्बानी वो होता है जब उसके अंदर मनवर हो गया ना, नूर आ गया ना, तो फिर वो मकनातीस लग गया ना। जिस तरह मकनातीस पड़ा है छोटे छोटे सुइयां फेंकते हैं और पकड़ता जाता है ना, कैच करता है ना, पल के ना उसे, इसी तरह जब यहाँ नूर का गोला आ जाता है ना, किसी के भी नूर में गोला आ जाए या आम है या आलम है, जब आलम के दिल में नूर का गोला आ जाता है ना, फिर वो नमाज पढ़ता है ना तो उसका नूर भी अंदर जाता है ना, तो फिर वो कुरान पढ़ता है ना तो फिर उसका भी नूर अंदर जाता है ना, तो फिर कहते हैं कारी नजर आता है लेकिन हकीकत में है कुरान। अब कुरान मजीद को आप देखें, कहीं भी नहीं लिखा नमाज पढ़, वहां यही लिखा नमाज कायम कर। अल्लाह, वो लोग नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह ने फरमाया नमाजें कायम करो, नमाज पढ़ेगा सारी उम्र मुसलमान ही रहेगा, नमाज कायम करेगा तो आलम बामल बनेगा तो मोमन बनेगा। तो नमाज पढ़ने क्या होता है, तो सारे नमाज पढ़ते हो ना, पढ़ते हो, किताब पढ़ रहे थे बंद करी खत्म हो गया ना, तो इसको खत्म क्यों करता है, कायम करना नमाज को अपने अंदर बसाना। अल्लाह, वो तेरा अंदर मनोवर होगा, तेरे अंदर नमाज फिर कायम रहेगी ना। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे
का नूर अंदर ही नहीं गया तो कायम क्या? पड़ी पड़ी कायम नहीं हुई, अल्लाह ने कहा कायम कर इसको अपने दिल में बसा, इसका नूर अपने अंदर कायम कर। फिर कुरान पढ़ा तो उसका नूर अंदर गया ना, ऐसे आलम की तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन। अगर कोई ऐसा आलम है ना तो उसकी तौहीन दीन इस्लाम की तौहीन। ऐसे ही आलमों ने काफरों को मुसलमान बनाया ना। हजूर पाक फरमाते हैं ना ऐसे आलमों के लिए ये बनी इसराइल की नबियों की मानन होंगे ना। अच्छा ये तो आलम हो गया ना बाअमल, इसको आलम रब्बानी कहते हैं। इसने तो हमको दीन सिखाया, काफरों को मुसलमान बनाया। और फिर दूसरा आलम, उसने काफरों को मुसलमान नहीं बना सका, और मुसलमानों में फिरके फिरके बनाए ना, मुसलमानों को काफर कहा ना। वो दूसरा आलम जिस इसके सीने में कुरान, उसके हाथों में कुरान। अच्छा, इसके सीने में कुरान है और आलम सू उसके हाथों में कुरान है। वो सारा दिन रात पढ़ता रहता है कुरान, लेकिन कुरान अंदर ही नहीं जाता है ना। वो अंदर गए तो उसको हिदायत देना। कुरान खुद फरमाता है हुदा लिल्मुत्तकीन, मैं हिदायत करता हूँ पाकों को। वो जो पाक था ना आलम, उसको तो हिदायत होगी ना, वो लोगों के लिए भी हिदायत बन गया। ये तो पाक ही नहीं था, कुरान इसके अंदर ही नहीं गया ना, कुरान इसके हाथों में ना। भाई सारी उम्र लगा रहा कुरान हाथों में है, बस वो वली नहीं बन सका, वो आलम बा मतलब पता नहीं क्या बन गया। उसके बाद तीसरा आलम, वो भी तुमको बहुत नजर आएंगे। उसने बहुत पढ़ा, वो अंदर ही नहीं जाता, बहुत पढ़ा अंदर ही नहीं गया। उसने फिर क्या किया कि उस कुरान को बगलों में लगा लिया, तंग आके बगलों में ले दिया। वो अल्लाह तो मिला नहीं, चलो कुर्सी ही मिल जैसी। वो सियासत में लगी ना, कुरान बगल में देके सियासत ढूंढने शुरू कर रही है ना। वो इनको सियासत जेब तो भी नहीं देती ना, लेकिन उसका हक भी है ना, अल्लाह जो नहीं मिला चलो दुनिया से। उसके लिए बोले शाह ने फरमाया खा के सारा मुकर गए जिन्होंने बगल विच कुरान, कि खा के सारा। सुबह कहते हैं, सुबह कहते हैं बेनजीर काफिर है, वो शाम को पैसे वैसे मिल गए ना, मैंने थोड़ी कहा था मुकर गए ना। जब कोई शख्स हर वक्त अल्लाह अल्लाह करता है, उसका दिल अल्लाह अल्लाह में लग जाता है, कोई भी चीज दिल में बस जाए उसे मोहब्बत हो जाती है। अब दिल में अल्लाह अल्लाह बस गया, अल्लाह से मोहब्बत होगी। मोहब्बत का तल्लुक इस दिल से है, जुबान नहीं। जो जुबान से कहते हैं बकार हैं, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह जब वो अल्लाह अल्लाह करते हैं तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो जाती है। जब दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला किसी के एहसान लेता नहीं है। एक रुपया खर्च करो दस रुपये लौटाता है, एक नेकी करो दस नेकियों को सवाब देता है, और थोड़ी सी मोहब्बत करो दस गुना ज्यादा मोहब्बत करता है ना। तो जिसे अल्लाह मोहब्बत करते है उसको एक दिन देखता है, बड़े प्यार से देखता है। जिस दिन अल्लाह ने तुमको देख लिया फिर मोहब्बत खत्म होगी, फिर इश्क आ गया ना, तो फिर मैं तेरा और तू मेरा। फिर अल्लामा इकबाल ने फरमाया गारो इश्क तो कुफर भी है मुसलमानी। अगर तेरे अंदर अल्लाह का इश्क आ जाए तो कुफर भी मुसलमानी बन जाता है ना। तो अगर इश्क नहीं है तो फिर आगे कहते हैं तो फिर मुस्लिम भी है काफर व जंदीक। अल्लामा इकबाल ने क्या, तुम एक दूसरे मुसलमानों को काफर व जंदीक कहते हो ना। अब ये जो अल्लाह अल्लाह है इस उम्मत को मिला, बाकी उम्मतों के नबी भी त्रस्त रहे। मूसा अलैहिस्सलाम या रहमानों का जिक्र करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम या कदुसों का, सुलेमान अलैहिस्सलाम या वहाबों का, दाऊद अलैहिस्सलाम या वदूदों का, बाकी नबी अपने उलल मुरसल का कलमा पढ़ दें। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह दीदार दे, जवाब आया ताब नहीं है। कहने लगे किसी में ताब होगी, जवाब आया एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। उम्मत का कहा, मुसलमान का नहीं कहा, एक मेरा हबीब और उसकी उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, मैं नबी होके उम्मती के बराबर नहीं, जलवा दे देखी जाएगी। जलवा पड़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। क्या वजह है कि मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में कोतूर में बेहोश हुए,
حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفات نور تھا, وہ ذات کی تاب نہ لا سکے. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا, ذات ذات کے سامنے مسکرائے. اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی نا, سبحان اللہ, تب اس کو فضیلت ہوئی نا. ایک حدیث ہی میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت, یہ یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت, اور یہ جو اللہ سے چمک رہے یہ حضور پاک کی امت. تو پھر جو اس نور کے بغیر بیٹھے ہوں گے تو پھر پانے سننی ہے تو پھر تو جاسوس ہی ہے حقیقت. بنی اسرائیل کے نبی ترستے رہے, اس امت کے ولی کہتے ہیں ہم نے اللہ کا دیدار کیا. حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے 99 مرتبہ اللہ کو دیکھا ہے. حضرت ابراہیم بن عوض فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ رب کا دیدار کیا ہے. سعید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب چوں اللہ کو دیکھا ہے. امت کی شان, ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا, اے اللہ مجھے بڑا شوق ہے تجھے دیکھنے کا. اللہ نے کہا موسیٰ کال نہیں دیکھا, دیکھا ہوا تھا سہم گئے, تو پھر تیرا دیدار کیسے ہوگا؟ اس کے لیے تجھے میرے حبیب کا امتی بننا پڑے گا. انہوں نے کہا مجھے منظور ہے. زندہ اٹھایا گیا پھر ان کو. اب مہدی علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام ان سے بیعت ہوں گے, امتی بنیں گے, پھر ان کو دیدار ہوگا. بتاؤ پھر امتی کی کیا شان ہے؟ علماء کے لیے, عالم ربانی کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے, کیونکہ نہ ان نبیوں کو دیدار نہ ان عالموں کو دیدار, تب مانند ہوگی نا. اور ولیوں کے لیے کہا کہ میرے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبی بھی رشک کریں گے. تو جس دن عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے امام مہدی سے بیعت کر لی تو سارے نبی رشک نہیں کریں گے. حضور پاک کے بعد جو درجہ ہے نبوت میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا ہے نا, اللہ تو وہی آگے بیعت ہو گئے. اب وہ اس میں ذات آتا کیسے ہے؟ طریقہ بھی بتا دیں, ہو سکتا کوئی اہل دل ہو. وہ سعید سلطان بہو رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی, اس کا نام ہے نور الہدا, وہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. ایک دن ان سے ملاقات ہوئی گئی, پوچھا میں یہ کتاب لکھ دی تو کسی کو سمجھ نہیں آتی ہے, ہزاروں لوگ پڑھتے ہیں, کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے, ہزاروں کی سمجھ میں نہ آئے, ہزار سال تک نہ آئے, ہزار سال کے بعد اگر کسی ایک کی بھی سمجھ میں آ گئی نا تو وہ ہزاروں کو سمجھا دے گا نا, اور تو میری مدد پوری ہو جائے گی نا. ایک نیوی کا کیپٹن ملا, کہنے لگا مجھے بڑی تگو دو اللہ کی, میں روزانہ کئی ہزار دفعہ کاغذ پہ اللہ لکھتا ہوں تو اس کو سمندر میں ڈالتا رہتا ہوں, لیکن کئی سال ہو گئے مجھے تو رب کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ملا. تو بھائی رب تو دل میں, تو سمندر میں ڈال رہا ہے, وہ لکھ لکھ کے تو سمندر میں ڈال, تو دل میں ڈالنا اس کو. تو دل میں کیسے ڈالوں؟ تو بس یہی نقطہ اگر سمجھ آ گیا تو. اب یہ اللہ دل میں کیسے جاتا ہے؟ دل میں جائے گا بنے گی. اس کو روزانہ 66 مرتبہ 66 کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں, خوشخط کر کے لکھو, فجر کی نماز کے بعد لکھو, ورنہ جب بھی آپ کو موقع میسر آئے, دن میں بھلے کئی دفعہ لکھو 5-6-7 دفعہ, لیکن جب بھی لکھو بڑے پیار سے لکھو. کیا خبر تم لکھ رہے ہو تو وہ دیکھ رہا ہو, اسی بھی کام مجھے نقطہ نوال. اچھا آپ تھوڑے لکھیں گے, ایک دن آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ تمہاری آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا.
वो कागज से आंखों में आ गया, तस्वर कायम हो गया, इसको अहले तस्वर बोलते हैं। जब आंखों में तस्वर आना शुरू हो जाए फिर लिखना बंद कर दें, आंखों से फिर तवज्जो से उसको दिल के ऊपर उतारे, तो फिर अगर अल्लाह ने चाह तो जो आप कागज पे लिखते थे वो दिल पे लिखा नजर आएगा। उस वक्त दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, टिक टिक टिक, उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाए, एक के साथ अल्लाह एक के साथ हूँ, वो दिल की तस्बीह चल पड़ी। जब यहाँ लिखा नजर आएगा ये पुलिस की बोर लगी, पुलिस वाला, ये अल्लाह लिखा गया, अल्लाह अल्लाह। रात को सोने लगे इस उंगली को कलम ख्याल करें, तस्वर से दिल के ऊपर अल्लाह लिखते लिखते सो जाए, इसी में नींद आ जाए, क्योंकि सोते वक्त जो नीयत होती है ख्वाब में भी वही कुछ होता है। अल्लाह पढ़ते पढ़ते सो गए और ख्वाब में भी अल्लाह करते रहे। हम चकवाल में कैंटीन करते तो कुछ कंडक्टर, बसों के कंडक्टर हमारे पास कैंटीन में सो जाते, खराटे ले रहे होते, हम उनको देखते खूब मजे से खराटे ले रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं लाहौर पिंडी लाहौर पिंडी लाहौर भी लाहौर में होते ख्याल, पिंडी पिंडी में होते ख्याल, वो ख्वाब में कहते रहते ना। तो जब तुम्हारा ख्याल अल्लाह की तरफ होगा, सोते भी थे जागते में भी थे काम काज में भी, तो फिर घर वाले कहेंगे तू तो अल्लाह कर रहा था, तो तुम कहे मैं तो सो रहा था। सुबह उठे वुजू है या नहीं, जिक्र खफी करते रहे, जब तक दिल की धड़कन से नहीं मिलता उसको जिक्र खफी कहते हैं। जिक्र खफी कोई मंजिल नहीं है, इबादत है। जिस दिन तुम्हारे दिल की धड़कनों ने अल्लाह ने पुकारना शुरू कर दिया, आज तुम्हारी मंजिल जो है ना वो चल पड़ी ना, इसको तरीकत कहते हैं ना, तरीकत का तल्लक इस दिल से है ना, आज तुम्हारी गाड़ी अल्लाह की तरफ चल पड़ी। अब इस गाड़ी को पेट्रोल की जरूरत है, आखिर नमाजें पढ़ो तो रोजे रखो तो वो उसका पेट्रोल, तो फिर वो गाड़ी पहुंचेगी ना अल्लाह, तो फिर जब वो गाड़ी अल्लाह अल्लाह करते अल्लाह तक पहुंच जाएगी तो उसको हकीकत कहते हैं ना। हकीकत का तल्लक इन नजरों से है। अब यहाँ एक सवाल है, हमारे उलमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमें कोई इनसे दुश्मनी नहीं है, ना कोई पीरों से दुश्मनी है, ये तो अल्लाह का हुक्म है, हम बयान कर रहे हैं, चाहे किसी को सही लगे चाहे किसी को बुरा लगे। यहाँ हम जिधर भी गए हमारे उलमा ने कहा कि सब कुछ शरीयत में है, उन्होंने कहा तरीकत भी शरीयत में, हकीकत भी शरीयत में, मार्फत भी शरीयत में। हम नारा में गए तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ कि इसके आगे दुनिया नहीं है। अगर कोई दुनिया का जुस्तजू वाला हुआ तो वहां जाके ठहर जाएगा ना, आगे दुनिया ही मैं जाके क्या करूं। इसी तरह अगर कोई अल्लाह का तालब हुआ तो यहाँ शरीयत में साकन हो जाएगा ना, कि शरीयत के आगे तो कुछ नहीं, तो मैं क्या करूं आगे जाके। ये क्यों नहीं कहा कि ये दिल भी अल्लाह अल्लाह करते हैं, दिल वाले भी होते हैं, ये आंखें भी अल्लाह को देखती हैं, ये आंखों वाले भी होते हैं, ताकि वो इसकी तलाश करता ना। ये कहते हैं कि इस्लाम में रबानियत नहीं है, वो इस्लाम में रबानियत नहीं है, क्या गौस पाक इस्लाम में नहीं थे, वो ख्वाजा साहब इस्लाम में नहीं थे, वो तो कई कई साल जंगलों में रहे ना, वो शरीयत जंगलों में तो नहीं होती है ना, शरीयत तो शहरों में होती है, मदरसों में मस्जिदों में होती है ना, तो जंगलों में फिर वो क्यों चले गए थे। वो खुद दूसरा एलन था, वो तरीकत हकीकत मार्फत का एलन था ना, मुड़ के आए तो बड़े बड़े वली कामन बन के आए ना। जब वो दिल की धड़कने पर अल्लाह पुकार दी है, कोई लोग हैं जिनके दिल की धड़कने कम होती हैं, उनके लिए फिर औलिया ने कुछ तरीके निकाले हैं। कलंदर पाक, उनके पास लोग जाते हैं, वो कहते चलो नाच हैं, वो नाच आज तक मौजूद है, नचाते हैं उनको। मैं एक दफा सावन में गया तो वहां कुछ आदमी उस वक्त अल्लाह पे नाचते थे, आप दमा दम मस्त कलंदर पे नाचते, दो आदमी मेरे सामने बेहोश हुए, नाचते नाचते बेहोश हो गए। एक को मैं पानी डालने लगा, एक और साथ आदमी था, तो दांत उसके बिल्कुल कसे हुए हैं, बंद हैं, पानी भी अंदर नहीं जा रहा, तो दिल से आवाज आ रही है दमा दम मस्त कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर। तो हमने सोचा किस जमाने में दमा दम मस्त कलंदर करते हैं, तो दिलों से दमा दम मस्त कलंदर की आवाजें आ रही है, तो उस जमाने में अल्लाह से नाचा करते थे ना, तो उस जमाने में अल्लाह की आवाजें आती होंगी ना। तो बुल्ले शाह ने फरमाया सी असा नच के यार मनाया।
तो पूछे नाच में क्या यार मनता है, तो पता लगा नचे खूब नचे, दिल की धड़कने उभरी, धड़कनों के साथ अल्लाह अल्लाह मिलया तो यार मने। अमीर कलाल कबड्डी खिलाते, वो कबड्डी खेल रहे थे, बहुदी नक्श बन रहे हैं, मतलब बहुत बड़े आलम में पहुंच गए फैज के लिए। वो पूछा अमीर कलाल कहां है, वो तो कबड्डी खेल रहे हैं। मैं कहा वली कबड्डी तो नहीं खेल सकता, मैं तो खाम खा इधर आ गया। वापस जाने लगे, जमीन ने रोक लिया। बाद में वही ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह उनके साथ कबड्डी खेले, इतने बड़े वली बने। तो कबड्डी में क्या राज था, खूब लड़ाते, जब दिल की धड़कने उभरते ही कहते अब कबड्डी को छोड़ो, अब इनके साथ अल्लाह अल्लाह मिला। एक और आसान तरीका है, वो जरबे लगवाते हैं अल्लाह अल्लाह। अब कुछ लोग अल्लाह के जरबे लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं शोर मचाते हैं, तो सही कहते हैं। अगर तू अल्लाह जरबे लगा के घर चला जाता है तो शोर मचा के गया ना, उससे बेहतर था तू दिल में उसको याद कर लेगा, उनको पता भी नहीं ये जरबे क्यों लगाते हैं। सही बात है, ये अल्लाह अल्लाह जो लगाते हैं ना घंटा भर, तो वो एक कबड्डी वाली पोजीशन पैदा हो जाती है अल्लाह, वो दिल धड़कना शुरू हो जाता है, फिर उस दिल की धड़कन के साथ अल्लाह मिलाते हैं ना। वो कहते हैं कि किसानी आदि वलायत है, तो किस तरह आगे बैल चल रहा है पीछे वो भी चल रहा है, तो सारा दिन चल रहा, बैल का दिल भी धड़कना शुरू हो गया, उसका भी दिल धड़कना शुरू हो गया। अब अगर उस धड़कन के साथ अल्लाह अल्लाह मिलाए तो आदि वलायत है ना, वरना जिस तरह उसका दिल धड़क रहा है इसका दिल धड़क रहा, दोनों खाली। अरे तकबीर, मेरा शाही। अब ये तो हो गया इसका तरीका, अब इसकी इजाज़ भी होती है। इजाज़ क्या होती है, आप यहाँ सारा दिन रात तहज्जुद पढ़ते रहें, नमाजें पढ़ते रहें, शैतान एक कोने पर खड़ा हंसता रहता है, क्यों, तेरा दिल तो मेरे हाथ में, जब जी चाहूंगा मोड़ दूंगा। और तुम्हें एक दिन शिकायत होगी, मैं बड़ा तहज्जुद गुजार था, मुझे क्या हो गया, मैं फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकता, और शैतान ने दिल मोड़ दिया ना। जब कोई दिल की इबादत में लगता है, शैतान सोचता है अगर ये अल्लाह इसके अंदर चला गया, ये तो सारी उम्र के लिए मेरे हाथों से गया। बाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह जवानी की अय्याम में जंगलों में चले गए, जब बाकी इबादत करते हैं तो शैतान देखता रहता, लेकिन जब वो अल्लाह की जरबे लगाते ना तो करीब आके उनको सताता, वो साबे नजर थे, एक दिन डंडा लेके उसके पीछे भागे, क्या आज इसको मारूंगा, आवाज आई ऐ बाजीद ये डंडों से नहीं मरता, ये अल्लाह के नूर से जलता है। अल्लाह, तू इतना जिक्र कर के नूर अल नूर हो जाए। और जब बाजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह नूर अल नूर हो गए तो शहर बुस्ताम से जादूगर ही चले गए। शैतान को पता है कि अल्लाह अल्लाह करने से किसी के दिल पे अल्लाह लिखा जाता है। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह को नक्शबंदी क्यों कहते हैं, लोगों के दिलों पे अल्लाह नश कर देते थे। कुरान भी फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके दिलों पे अल्लाह लिख दिया गया, ईमान अल्लाह ही है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं, उनके दिल में मदीना पाक आ जाता है, क्योंकि वो खुदा भी नहीं तो जुदा भी नहीं, तो फिर वो कहीं भी है मदीने। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते हैं तो उनके दिलों पे खाना काबा आ जाता है। एक दिन देखा मजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह ने देखा ये जिन फरिश्ते उनको सजदा कर रहे हैं, तो बड़े परेशान हुए कि इस्तेदराज तो नहीं हो गया, ये इंसान को सजदा जायज ही नहीं, तो ये मुझे क्यों सजदा कर रहे हैं। आवाज आई घबराओ नहीं, ये तो मैं सजदा नहीं करे, वो जो तुम्हारे अंदर खाना काबा बस का ये उसको सजदा कर रहे हैं। जब राबे बसरी रहमतुल्लाह के दिल पे खाना काबा आया, उस काबे को हुक्म हुआ जाके उसका तवाफ कर, और तुझे इब्राहिम अलैहि सलाम ने गारे मिट्टी से बनाया, इसको मैंने अपने नूर से बनाया। अल्लाह, और तब मौलाना रूमी ने कहा कि एक दिल जिसमें काबा बस जाए उन हजार काबों से बेहतर है, उसको इब्राहिम अलैहि सलाम ने बनाया, इसको अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। जब काबा बस जाता है अभी मुकम्मल नहीं है, उसको आधी कलंदर बोलते हैं। अल्लाह जी, बोलते हैं ना आधी कलंदर है, तो खाने में काबा भी बसा था, तो काबा उसका तवाफ भी करता था, तो फिर भी बोलते हैं आधी कलंदर है, तो फिर पूरा कलंदर कौन है।
अद्दी कलंदर ये है कि वो रब का दीदार नहीं कर सके, वो रब से बातचीत कर सके हैं। औरत जो है ना वो रब का दीदार नहीं कर सकती, कितनी बड़ी ऊंची वलिया हो जाए रब से बातचीत कर लेती है। जो जो दूसरे भी है ना पूरे कलंदर वो रब से बातचीत भी करते हैं, रब को देखते भी है ना, वो रब का नक्शा उनके अंदर आता है ना, तो फिर उनके लिए ना कि मैं उनकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलते हैं, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। बन के मस्त मलंग लगे रहते हैं, वो 40-50-60-100 साल हो गए, तू अभी नमाजी है ना, वही मस्जिद में फड़फड़ा रहा ना, ऊपर तो कोई नहीं पहुंचाना। तो दूसरे लोग वो देखे जिन्होंने नमाजें छोड़ दी, दिलों से अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, वो जंगलों में पड़े हुए हैं ना, रब को वो भी कोई नहीं पहुंचे ना, रब को वही पहुंचे ना जिन्होंने नमाजें भी पढ़ी और दिलों से अल्लाह अल्लाह भी करी, रब को तो वही पहुंचे ना। ये दो पर है ना, इस वक्त हर आदमी सिरात मुस्तकीम की तलाश में है, वो 5 मिनट में पता चल जाएगा, कोई भी नहीं कहेगा गलत कहता है, सिरात मुस्तकीम के वो हकीकत है, वो कई सालों से उलझे हुए ना सिरात मुस्तकीम क्या, ये तो बंदी तो मर्जी तो अभी तो सुननी चाहिए, अभी 10 मिनट में तुम सारे गलत आओगे सही कहता है। अगर कोई काफर हुआ हिंदू हुआ वो भी कहेगा सही कहता है। एक वो लोग हैं जिनके जहर भी खराब हैं, बातन भी खराब हैं, अच्छा। ना कोई जहर में नमाज रोजा है, ना कोई दिल में अल्लाह अल्लाह है, अच्छा। वो बल्ले सुन्नी है तो बल्ले शिया, तो वो भाभी सिरात मुस्तकीम नहीं है, वो सिरात मुस्तकीम नहीं है, नाम तो इन्होंने रखे हुए है ना, बात सिरात मुस्तकीम ही कर रहे हैं ना। सही है, सही बात। दूसरे वो लोग हैं जिनके जहर खराब हैं, बातन अल्लाह अल्लाह करें, ऐसे लोग भी हैं। ये धनक्का शरीफ है ना उधर, जहर में कोई नमाज रोजा नहीं है ना, अल्लाह अल्लाह कर रहा है ना, और जिसको डंडा मारते हैं उसको फैज हो जाता है ना, लेकिन अगर उनकी कोई नकल करे तो जिंदगी को जाता है ना भाई, अगर उनकी नकल करो तो जिंदगी को जाओगे ना, तो सिरात मुस्तकीम वो भी को नहीं भाई, वो तो बेनजीरी को डंडे मारते हैं, तुम डंडे मार के दिखाओ ना। अगर उनकी नकल करे तो नजदीक हो जाएगा ना, तो सिरात मुस्तकीम वो भी नहीं है ना। तो तीसरे वो लोग हैं जिनके जाहिर दुरुस्त तो बातन स्या, हमारे उलमा और आबुल जैद जाहिर में तस्बीहां नमाजें सब कुछ है, अंदर काले हैं, अंदर कुछ भी नहीं है, इस दिल में अल्लाह होता है, अगर अल्लाह ना हो तो फिर शैतान होता है। तो फिर सिरात मुस्तकीम ये भी है ना, अगर सिरात मुस्तकीम होता तो 72 फिरके क्यों बनते, इन्हीं लोगों ने बनाए ना, इन्हीं दाढ़ी वाले ने बनाए, नमाजी ने बनाए ना फिरके, तो फिर सिरात मुस्तकीम होता सारे एक ना होते। तो फिर सिरात मुस्तकीम क्या है, जाहिर भी दुरुस्त बातन भी दुरुस्त, जाहिर में भी नमाज रोजा करो तो दिल भी अल्लाह अल्लाह करे, जबान भी पाक तो दिल भी पाक, ये सिरात मुस्तकीम है। कहीं से भी हासिल हो जाए, हम ये नहीं कहते कहीं से भी हासिल हो जाए, यही सिरात मुस्तकीम है। इस वक्त सारे इस्लामी ममालिक हैं, ईरान भी, इराक भी, पाकिस्तान भी, जबान से सारे कलमा पढ़ते हैं ना, जबान से सारे एक है, लेकिन दिल से एक नहीं है ना, दिलों में शैतान है। तो शैतान क्या करता, भाई को भाई से लड़ाता, मियाँ को बीवी से लड़ाता, दिल से एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते हैं, काफर कहते हैं। जब तुम्हारे दिलों ने भी कलमा पढ़ लिया तो फिर जुबान से भी एक और दिल से भी एक। अल्लाह, अब तुमको, अब उस शैतान को पता है कि यहां तक कोई शख्स पहुंच सकता है, उसके पास जिन्नात फौज है, हुक्म देता है जाओ इसको तबाह करो, बर्बाद करो, कुछ भी करो, ये अल्लाह इसके अंदर ना जाए, वरना ये तो गया ना, तुम्हारे पास तो एक जिन भी नहीं है जो उसका मुकाबला करो, एक जिन भी नहीं है जो उसका मुकाबला करो। फिर जहां से इसकी इजाजत होती है अल्लाह ताला उनको भी एक रहमानी फौज देता है ना, तो शैतानी फौज तुम पे टूट पड़ी और रहमानी फौज शैतानों पे टूट पड़ी, और रहमानी फौज उस वक्त तक तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारे अंदर रहमान जाग नहीं उठते। फिर बंदा नहीं रहे, बंदा नवाज बन गए, गरीब नहीं रहे, गरीब नवाज बन गए। बहुत से लोग होंगे जिनके मुर्शिद कामल होंगे, बहुत से लोग होंगे वैसे फंसे हुए होंगे, हर मुर्शिद
अपने आप को कामल ही कहता है ना, तो जो जिससे बैत हुआ उसको कामल समझ के बैत हुआ ना, अगर तो वो कामल है तो फिर तू जैसे ही है आपेला सी सारा हूं। लेकिन अगर वो कामल नहीं है तो फिर तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। अब जरूरी है ना कि अपने मुर्शिद के मतलब भी पता हो ना, वो कामल है यानी यकीन होना चाहिए ना। आप सुनहरा है, वो सोने लेने के लिए जाता तो मार नहीं खाता, उसके पास कसवट्टी है। जब तुम्हारे अंदर ये अल्लाह ला शुरू हो जाएगा, तुम्हारे दिल में अल्लाह ला शुरू हो जाएगी, दिल की धड़कने पुकारेंगी अल्लाह अल्लाह, नूर बनेगा, बड़ी इमाम चले जाना, वहां भी अल्लाह तो यहाँ भी अल्लाह। बादल आपस में टकराते हैं तो रिक्कत भी पैदा होती है, यहाँ वहां भी अल्लाह है यहाँ भी अल्लाह, अल्लाह आपस में टकराया तो रिक्कत पैदा होगी, दिल की जिक्र और तेज हो गया, समझ गया रूहानी आदमी है। आगे दाता साहब चले जाना ना, वहां भी अल्लाह तो यहाँ भी अल्लाह ना, तो सीधे में गड़गड़ाहट होगी ना, रिक्कत पैदा हो जाएगी ना, तो समझ जाओगे ना कि ये कोई वली कामल है, फिर अपने मुर्शिद के पास चले जाना ना। तो जो दाता साहब बड़ी इमाम पे बात हुई थी मुर्शिद के पास जाने से होती है, तो फिर ठीक है तुम्हारी खुश नसीबी है ना। अगर घड़ी घड़ी तो उसके पास जाता है, घड़ी घड़ी उसके पास जाता है, फिर कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब फिर कुछ भी नहीं है ना, तेरी उम्र बर्बाद हो रही है ना। जरूरी है कि तुम पहले कसवटी बन हो जाए तो फिर तुम इनकी तलाश में निकलना, फिर जब भी कभी मिलेगा ना तो कामल मुर्शिद ही मिलेगा ना। तो सभी सुल्तान बोल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, ढूंढ ढूंढ, तू लुट जे, तेरे घर पर लुट जे, मरने से थोड़ी देर पहले तुझे चीज हासिल हो जाए तो बड़ी सस्ता सौदा है ना। अल्लाह, तू जाएगा तो ईमान से जाए, तेरे दिल पे अल्लाह लिखा है, ईमान से जाएगा ना। इसके लिए हम तुम्हें ना बैत करते हैं, ना कोई नजराना मांगते हैं, उस वक्त तक तुम्हारी हिफाजत करेंगे जब तक तुम्हारे अंदर रहमान जागते नहीं है। फिर तुम्हें कहीं भी कामल नजर आया वहां जाके बैत हो जाना। अल्लाह, कहीं भी नजर आया वहां जाके बैत होना, लेकिन जो भी मिलेगा फिर सही मिलेगा ना। ये चश्ती, नक्शबंदी, कादी, सरवर्दी, ये सिलसिले हैं, लेकिन हमारे लोगों में कुछ ही है, वो कहते हैं ये चश्ती था हमारा दादा, बाप भी चश्ती, मैं भी चश्ती, मेरा बेटा भी चश्ती, हम चश्ती को क्यों छोड़े, ये कहते हैं ना। ये बड़ा चक्कर है, लेकिन चक्कर ये है कि चार गाड़ियां हैं ना, ये पहले नौ गाड़ियां थी, नौ और पांच पंचर हो गई हैं और चार रह गई हैं, और चार में से एक जो है ना वो भी कट गई, सरवर्दी भी कट गए, और सिर्फ नाथ खानी में लग गया बस, और जकरियत को उसने छोड़ दिया। अब ये गाड़ियां से स्टार्ट, कभी चिश्तियों की गाड़ी से स्टार्ट होती है तो कभी नक्शबंदियों की स्टार्ट होती है, तो कभी कादरियों की स्टार्ट होती है। अल्लाह, बारी बारी ना, एक टाइम तो स्टार्ट नहीं होती ना, तो बारी बारी अलग तरफ जाती है ना। अगर तुझे अल्लाह को पहुंचना है तो जो स्टार्ट गाड़ी है उसमें जाके बैठ जाना। अल्लाह भाई, वो तो सारे अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं ना, तो हमारे लिए भेजी है, बारी बारी वो चलती है ना, तो किसी में स्टार्ट में जाके बैठ जाए, कोई जुर्म नहीं है ना। हाँ, अगर तेरी गाड़ी चल रही है तो फिर उतरने की कोशिश करता तो फिर वो जुर्म है ना। अगर किसी का दिल अल्लाह ला कर रहा है तो उसको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, उसका मुर्शिद कामल था तब उसके अंदर अल्लाह ला हुई है ना। अगर किसी के अंदर अल्लाह ला नहीं है, इसका मतलब है उसकी गाड़ी चली नहीं है ना, तो गाड़ी पे आगे बैठ जाए। हमें तुमसे जो लालच है, एक लालच है बस, हम अपने खर्चे पे इधर आए हैं, खर्चे पे जाएंगे, हम जगह जगह जाते हैं, यूरोप तक जाते हैं, थोड़ी सी लालच है हमको भी तुमसे, वो हुजूर पाक को भी वो लालच थी, इस वजह से आपको अरिसन भी कहा गया है। जी, हरिसन भी कहा गया, अब लोग पूछते हैं हरिस क्यों कहा गया आपको। आप देखो ना, तुम अल्लाह को जाओ, दोजख में जाओ, बहशत में जाओ, हमें क्या परवाह, हमने तो जो पाना था पा लिया ना। जिस तरह गाड़ी किसी की लेने वाला और बेचने वाला, बीच में एक एजेंट एजेंट है ना, वो एक को राजी करता है फिर दूसरे को राजी करता है, दोनों फरीकों को राजी करता है, गाड़ी उसकी नहीं है, उधर भी बातें करता, उधर भी बेचारा बातें करता, पता नहीं कितने घंटे लगाता है, जब गाड़ी बिक जाती है उसको उधर से भी कमीशन मिलता है, इधर से भी कमीशन मिलता है।
वही साहब हमारा है, अब हम तुमको राजी कर रहे हैं ना, फिर उसको राजी करेंगे। जब दोनों फरीक राजी हो गए ना तो तुम्हारे अंदर अल्लाह ला शुरू होगा, हो गया ना तो उसका हमको भी कमीशन मिलेगा ना, वो भी देगा तो तुम्हारा कमीशन भी हमको मिलेगा, हमको ये लालच उस अल्लाह ला से हमारे मरातब जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि तुमको तुमने जितना जिक्र किया, जिसने तुमको सिखाया दो दर्जा उसको मिलेगा दो गुना, और जिसने उसको सिखाया चार गुना उसको मिलेगा, जिसने उसको सिखाया आठ गुना उसको मिलेगा, ये दस गुना तक जाता है ना। अब जो मैंने बातें करी हैं, अगर किसी साहब को इस पे एतराज हो तो पूछ तो सकता है, कोई मैंने बात करी है किसी की समझ ना आए या कोई एतराज है तो पूछ सकता है, उसके बाद जिक्र लें अपनी किस्मत आसमान, सवाल कर लें अगर जिन में होते गुफ्तगू के बारे में अगर किसी हजरात को कहो निकलते रहते फिर क्या करोगे। अल्लाह ताला फरमाता फस्करोनी अस्करकुम, तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं। जब तेरे अंदर अल्लाह ला शुरू हो जाएगी जुबान से नहीं, वो दिल से अल्लाह ला शुरू हो जाएगी। इस दिल की पहुंच जो है ना, जबान की पहुंच अमेरिका है, दिल की पहुंच अर्श मौला है। और तेरी अल्लाह अल्लाह जो है ना वो अर्श मौला में गूंजना शुरू हो जाएगी। तू नहीं जाएगा, तेरी आवाज जाएगी अल्लाह अल्लाह, इस आवाज को अल्लाह रोज सुनेगा। अब वो कहता तू मुझे याद कर मैं तुझे याद करूं, अब सारे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं ना तो वो क्या सबका नाम लेके पुकारेगा? नहीं, ये सारे आवाजें यहाँ गूंज रही हैं अल्लाह अल्लाह की, सब आवाजों को सुन रहा है, वो सब आवाजों से मानूस है। एक दिन एक आवाज गमगीन है, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं इसको क्या हो गया। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इस पे ये मुसीबत आन पड़ी। अल्लाह ताला फरमाता मैं इसको गमजदा देखना नहीं चाहता। उसने हाथ भी नहीं उठाया, उसका काम हो गया। ये दुआ करो यहाँ भी काम आए आगे भी काम आए। फिर जब तू मरेगा तो फरिश्ते आ जाएंगे, आके पूछेंगे बता तेरा रब कौन है। सबसे पहले पूछेंगे बता तेरा रब कौन है। एक कफन पीछे हटा ना अल्लाह लिखा हुआ देख ले, उनको जरूरत नहीं तुमसे दूसरा सवाल पूछे। ये काम सीखना, इधर भी काम आए तो उधर भी काम आए, और सारी उम्र के लिए दुआ ही बन जाए। जब तूने यहाँ अल्लाह ला सीखी ना, तेरा जिस्म खत्म हो गया ना, लेकिन तेरी रूह ने यहाँ अल्लाह ला सीखी ना तो रूह तो खत्म नहीं होगी ना, ये तो क्यामत तक ही तेरी अल्लाह ला होती रहेगी ना, फिर क्यामत तक तेरा मर्तबा कितना बुलंद हो जाएगा। हदीस में जो यहाँ अंधे वो वहां भी अंधे, अगर तूने यहाँ अल्लाह ला नहीं सीखी ना तो वहां तो रूह जाएगी, तू तो नहीं जाएगा ना, तो वहां भी अंधा है ना। सरकार एक सवाल है कि मतलब जैसे फिक्र का हुक्म है मोमन है और